हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानी ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में कोलकाता का सबसे बड़ा डेंटल हॉस्पिटल एंड कॉलेज एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जिसका नाम है डॉक्टर आर अहमद हॉस्पिटल एंड कॉलेज। तो अभी जो रोड के उस पर डेंटल हॉस्पिटल का व्यू दिख रहा है, यही है कोलकाता का सबसे बड़ा हॉस्पिटल डॉक्टर आर अहमद हॉस्पिटल एंड कॉलेज का व्यू। और इस हॉस्पिटल का एड्रेस है कोलकाता सियालदा जगदीश चंद्र बोस रोड मौलाली क्रॉसिंग रोड के पास ही में ये स्थापित है। तो ये दो कैंपस में है, न्यू कैंपस और ओल्ड कैंपस में। तो दोनों कैंपस आपको एक्सप्लोर कर दिखाने वाला हूँ और क्या क्या फैसिलिटी है इस हॉस्पिटल के अंदर, वो भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले इस डेंटल हॉस्पिटल का न्यू कैंपस एक्सप्लोर करने वाला हूँ, उसके बाद आपको ओल्ड कैंपस एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली इस डेंटल हॉस्पिटल में मैं एंट्री कर चुका हूं, और एंट्री करके जैसे आते हो तो लेफ्ट साइड में ही आपको ओपीडी विभाग दिख जाएंगे। तो यहां पर आपको पर्ची लेनी होती है, तो पर्ची का प्राइस है 2 रुपये, ओनली 2 रुपये में एक पर्ची देगा, और उस पर्ची को लेने के बाद आपको डॉक्टर को दिखानी होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कहाँ से आपको पर्ची लेनी होती है। तो कुछ मेन गेट से कुछ अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको गेट दिख जाएगा, तो इस फार्मेसी गेट से अंदर एंट्री करना होता है, और अंदर एंट्री करने के बाद ही आपको अंदर में मेडिसिन और ओपीडी का विभाग दिख जाएगा। तो ये है मेडिसिन और ओपीडी का विभाग। तो अभी दोपहर का टाइम है जिसके कारण यहाँ पे सब पेशेंट रेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर है मेडिसिन और ओपीडी विभाग, तो यहाँ से आपको पर्ची लाइन लगा लेनी होती है दोपहर में। तो अब मैं फार्मेसी विभाग से बाहर आ गया, और इसके सामने ही एक गेट है, मेन गेट न्यू कैंपस के अंदर एंट्री करने का। इसके अंदर जैसे आप एंट्री करते हो तो अंदर में आपको डॉक्टर को दिखानी होती है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं कहां पर आपको डॉक्टर को दिखानी होती है। तो जैसे ही आप न्यू कैंपस के गेट से एंट्री करते हो तो यहाँ पर पेशेंट के बैठने का जगह है, और इसके अलावा और भी कुछ विभाग है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी आपको टिकट मिलते हैं, तो ज़्यादा पेशेंट हो जाने के बाद यहाँ पर टिकट दिए जाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अपना डेंटल प्रॉब्लम दिखाते हो तो पर्ची लेकर यहाँ पे बीजी डिपार्टमेंट में आपको दिखानी होती है डॉक्टर को, उसके बाद यहाँ से आपको ट्रांसफ़र कहीं और किया जाता है। तो अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और वहाँ पर का आपको व्यू दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट है। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हो तो यहाँ पर भी कुछ डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी आपको रेफ़र किया जाता है, तो यहाँ पर आपको दिखानी होती है, तो जो कि यहाँ पर सर्जरी डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर सर्जरी डिपार्टमेंट का बोर्ड भी लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं B1 डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको दिखानी होती है। और यहाँ पे कुछ पेशेंट भी वेट कर रहे हैं। तो चलिए आगे तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं और कौन कौन से विभाग है इस डॉक्टर आर हॉस्पिटल के अंदर। और कुछ आगे आते हो तो यहाँ पर आपको B2 विभाग मिल जाएंगे, तो यहाँ पे PG सेक्शन है, तो यहाँ पर भी आपको ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र किया जाता है। और इस हॉस्पिटल के न्यू कैंपस में लिफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो अगर आप लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहां से आप लिफ्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो यहां पे पावर कट है जिसके कारण यहां पे अंधेरा है। तो चलिए और आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आगे का व्यू। और यहाँ पर इस हॉस्पिटल का फैंटम रूम है। और कोलकाता का इस डेंटल हॉस्पिटल एंड कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस भी करते हैं डेंटल डॉक्टर होने के लिए, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए कमरा है जो यहाँ पर डेंटलिस्ट होने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो अंदर का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम है जिसके कारण सभी स्टूडेंट लंच पे गए हैं। तो ये था इस हॉस्पिटल का फैसिलिटी और फर्स्ट फ्लोर का व्यू। अब चलते हैं इस हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर और वहाँ का व्यू दिखाते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इस हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर कैंटीन का फैसिलिटी अवेलेबल है जो ओनली फॉर स्टाफ के लिए है, और ग्राउंड फ्लोर में ही माइनर OT डिपार्टमेंट है।
तो ये है डॉक्टर आर अहमद डेंटल हॉस्पिटल एंड कॉलेज का न्यू कैंपस का ग्राउंड फ्लोर का व्यू। तो यहाँ पर पेशेंट और पेशेंट के परिजन के लिए वेटिंग एरिया है और ग्राउंड फ्लोर में ही पेशेंट सहायता केंद्र डिपार्टमेंट है। तो ये देख पा रहे हैं ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ, ये है पेशेंट सहायता केंद्र बोर्ड। और ये डॉक्टर आर अहमद का मूर्तियाँ लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं इस हॉस्पिटल के न्यू कैंपस से बाहर और आपको दिखाते हैं ओल्ड कैंपस का व्यू। तो ये है न्यू कैंपस के बाहर का व्यू और इस तरह से आप आउट कर सकते हो और इन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। तो फाइनली इस हॉस्पिटल के न्यू कैंपस से बाहर आ गया और जैसे ही बाहर आते हो तो आपको रोड के इस पार से ही ओल्ड कैंपस का व्यू दिख जाएगा। तो ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस दोनों आमने सामने हैं डॉक्टर आर अहमद हॉस्पिटल का। तो चलिए अब चलते हैं ओल्ड कैंपस के अंदर और आपको ओल्ड कैंपस के अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो ये है ओल्ड कैंपस के मेन गेट का व्यू। तो यहाँ से एंट्री करना होता है, तो चलिए चलते हैं इसके अंदर एंट्री करते हैं। तो फाइनली डॉक्टर आर अहमद कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ओल्ड कैंपस के अंदर एंट्री कर गया और एंट्री करने के बाद ही आपको इस प्रकार के व्यू दिख जाएंगे। तो जैसे आप मेन गेट से एंट्री करते हो तो यहाँ पे आपको छोटा सा पार्किंग एरिया दिख जाएंगे जो स्टाफ लोगों के लिए है। और यहाँ पे एक्सरे विभाग है, तो अगर आपको डॉक्टर लिखते हैं एक्सरे करने के लिए तो यहाँ पे एक्सरे करानी होती है। और ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पर 2A विभाग है, तो ऊपर में आप जाते हो तो 2A विभाग दिख जाएंगे। तो ये है ओल्ड कैंपस। तो ये था कोलकाता का सबसे बड़ा डेंटल कॉलेज डॉक्टर आर अहमद कॉलेज एंड हॉस्पिटल का व्यू, ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस का व्यू। तो आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी विशेष जगह ब्लॉग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लो टेक केयर। जय हिंद।